Assalamualaikum viewers. Aviator Talks के एपिसोड 11 के साथ मैं हूं हमजा और आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉक टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ एविएशन की क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर. Assalamualaikum. तो मिस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर. ये बताएं कि एविएशन की जो फील्ड है कैसा एक्सपीरियंस है आपका एविएशन को लेकर? सो फार सो गुड. यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में ना आए तो आपको वो पता नहीं चलती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. आपकी क्या स्किल्स हैं ऐसी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज करती हैं? क्या कोर स्किल्स हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, लॉयलिटी, टीम वर्क, हार्ड वर्क एंड करेज. आपकी क्या मिस ये बताएं कि आप चूंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या क्या आपके कोर टास्क हैं जो आप अंजाम देते हैं? मेरे कोर टास्क में इंक्लूड होता है इंटरनल ऑडिट, स्पॉट चेक्स, कंटीन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर कोई मैटर अराइज होता है तो उसको किस तरह से केटर करना है, वो सारी चीजें मेरी प्राइमरी जेडीज में आती हैं. अच्छा, तो एक चीज होती है फीडबैक. जी जी बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो भी आपके पास आता है? बिल्कुल, मेरे पास ही आता है सारे फीडबैक. जनरली बताएं कैसा फीडबैक रहता है स्टूडेंट्स का? मिक्स फीडबैक रहते हैं, किस कोई बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, किसी के न्यूट्रल है. तो वो जहाँ पे जो चीज लैक करती है उसको हम कोशिश करते हैं कि केटर करने. सही. आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीचिंग मेथड पे, फैसिलिटी पे और ट्रेनर्स की क्वालिटी पे क्या कहना चाहेंगी? देखें, टीचिंग मेथड सो फार हमारा सेटिस्फैक्ट्री है और एज पर रिक्वायरमेंट है जो एआसए की है हमारे पास पार्ट 147 के लिहाज से. अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को एक्टिव लर्निंग जिसमें FCL, क्विजेज, रैपिड फायर वगैरह के सेशंस होते हैं. इसके अलावा फैसिलिटी की अगर आप बात करें तो फैसिलिटी में हमारे पास क्लासरूम्स हैं, ऑल इक्विप्ड विद एसीज एंड मल्टीमीडियाज. इसके अलावा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास. लाइब्रेरी दी हुई हमने स्टूडेंट को उनकी सफिशिएंट नॉलेज के लिए कि एविएशन सेक्टर में ही वो अपनी नॉलेज फर्दर इम्प्रूव कर सके. और ट्रेनर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करंटली हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 विजिटिंग फैकल्टी के ट्रेनर्स हैं जो कि करंटली प्राइवेट एयरलाइंस में एम्प्लॉयड हैं. इसके अलावा 2 परमानेंट फैकल्टी के हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं बीच क्राफ्ट 200 पे, सेसना 172, बोइंग 737-800 एनजी एंड एयरबस A330 फैमिली. देखिए, एग्जामिनेशन का प्रोसेस ऐसा है, शुरू के फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ में हमारा मिड टर्म हो जाता है और फिर थर्ड मंथ जो कि फाइनल एग्जाम्स का भी मंथ होता है उससे पहले हम इंटरनल फाइनल एग्जाम्स लेते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाए यासा एग्जाम्स के लिए. फिर उनके यासा एग्जाम्स होता है. अच्छा, हमारा सेटअप एग्जामिनेशन का ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यासा पार्ट 147 कि इन केस अगर स्टूडेंट करंट सेशन में फेल हो जाता है तो वो रीअपेयर या रीसेट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हो सकता है. आफ्टर एवरी 3 मंथ्स यहाँ पे यासा के सेशन होते हैं. तो NIR 4 सेशन होते हैं. ये बताएं कि यासा एग्जाम्स के दौरान क्या सिचुएशंस होती हैं यहाँ पर? देखिए, यासा एग्जाम्स में तो अ वेरी बिजी शेड्यूल फॉर हेड ऑफ एग्जामिनेशन क्योंकि वो मिस्टर स्टीफन स्टू के साथ पेपर की ऑर्गेनाइजेशन और कंडक्शन सारी चीजें देख रहे होते हैं. इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप कह लें कि अ वेरी क्योटिक, नर्वस येट कॉन्फिडेंट फेसेस आपको दिखेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. और उसके बाद? और उसके बाद हंसते मुस्कुराते कुछ परेशान से. कौन सा फेवरेट इवेंट है हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए? स्पोर्ट्स डे, क्योंकि हमारी उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है और हम बस सबसे अलग बात ये कि हम अपना पूरा शेड्यूल जो है मतलब जो पूरे ईयर में हम कर रहे होते हैं वो रूटीन टास्क छोड़ के हम एक अलग से जो है वो काम कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व हो रही है. और ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो ये इस तरह के काम करवा रहा है या एम्प्लॉयज भी इंकरेज होते हैं इसमें पार्ट लेने में, तो ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, ये बताएं कि आपका करियर ग्रोथ प्लान क्या है एविएशन से रिलेटेड? टू बिकम अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर. बताएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का टेक अवे क्या है आपके लिए, क्या सीखा आपने इस ऑर्गेनाइजेशन? टू रिमेन काम एंड फोकस इन एवरी क्रिटिकल सिचुएशन, या अगर कोई सीरियस इशू भी आप फेस करें तो आप काम रहें ताकि जितना आप काम रहेंगे उतना आप फोकस कर सकेंगे और उतनी ही जल्दी आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकेंगे. सिम्रा, ये बताएं कि इस इंस्टीट्यूट को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं? बाय मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस एंड इंप्लीमेंटिंग देम एंड कीपिंग कंप्लायंस विद देम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बीइंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उनके लिए क्या कौन सा वर्ड कहना चाहेंगी बताएं? यही कहूंगी कि डोंट डिले द वर्क,
दैट इफेक्ट अदर डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस एंड शेड्यूल इन ओवरऑल, और अपने साइड से जितना आपसे हो सके ट्राई टू रिजॉल्व एंड केटर द प्रॉब्लम और सिचुएशन. गुड, तो थैंक यू सो मच सिमरा अपना टाइम देने के लिए, और इसी तरह हमारा एपिसोड एंड होता है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.